Hello friends, today we will see the third part of this chapter. In the first part, we saw introduction, meaning and definition of principles and principles of management, nature of principles of management. In the second part, we saw significance of principles of management. In third part, we will see Administrative Theory of Henry Fayol. Now let's know about Henry Fayol. Henry Fayol was born in 1841. He was French mining engineer. He started working as mining engineer from his early age of 19 years. He wrote his book Administration Industriale et Generale in the year 1916 on the basis of experience of his mining. This book was later translated in English in 1949 with the title General and Industrial Management. He is also known as Father of General Management or Father of Modern Management. Henry Fayol is known for his 14 principles of management. In 1916, he gave these principles, but these principles are still applicable in modern world. Henry Fayol जो है, उन्होंने 14 management principles दिए, जो कि आज भी लागू है. आज भी बहुत सारे companies इन 14 principles पर काम करते हैं. ये 14 प्रिंसिपल्स कौन से हैं? तो ये 14 प्रिंसिपल्स हम एक एक कर आगे देखेंगे. इस वीडियो के अंत में हम यह भी देखेंगे कि ये 14 प्रिंसिपल्स याद कैसे किए जाए. इसकी एक सिंपल टेक्निक हम इस वीडियो के अंत में देखने वाले हैं. हेनरी फ्योल का पहला जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ वर्क. एक एग्जांपल लेते हैं. आपको किसी टीम का कैप्टन बनाया गया, तो आप क्या करेंगे? आप टीम में 11 बैट्समैन खिलाओगे? नहीं नहीं, आप टीम में 11 बॉलर खिलाओगे? नहीं 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 नहीं, ये भी अच्छा नहीं होगा. आप टीम में 11 ऑलराउंडर खिलाओगे? और किसी दोस्त ने हमें सुझाया कि नहीं नहीं, हम 11 विकेट कीपर खिलाएंगे. ऐसा करने से क्या हम एक परफेक्ट टीम बना पाएंगे? उत्तर है नहीं. तो अच्छी टीम कौन सी हो सकेगी? मैं 5 बैट्समैन खिलाऊं, 4 बॉलर खिलाऊं, 1 ऑलराउंडर, 1 विकेट कीपर, तो हो सकता है कि ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो. यही बिजनेस के साथ भी होता है. इन बिजनेस वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जॉब्स. These small jobs are assigned to competent and trained worker. After doing the same job again and again, that worker becomes specialized in doing a specific job. बार बार वही वही काम कर 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 worker अपने काम में specialized होता है. और एक बार आदमी किसी चीज में स्पेशलाइज्ड हो जाए तो उसका फायदा बिजनेस को होता है. उसी प्रकार हम जब देखते हैं बिजनेस में कामों का डिवीजन किया जाता है, काम बांटा जाता है. जैसे एचआरएम किसने करना है, मार्केटिंग किसने करना है, प्रोडक्शन किसने करना है, आईटी की तरफ कौन ध्यान देगा, अकाउंट्स कौन देखेगा, फाइनेंस कौन देखेगा, सेल्स कौन देखेगा. जब हम हर एक को उनका काम बांट कर देते हैं और वो लोग जब काम बार बार वही काम करते हैं तो वो उन कामों में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, जिसका फायदा बिजनेस में होता है. इससे हमारा समय भी बचता है, वेस्टेज भी कम होता है और बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है. नेक्स्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. Authority is the right to take decision. Authority always comes with the responsibility. Manager require authority to accomplish his responsibilities. We need to understand that
अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू साइड्स ऑफ द सेम क्वाइन। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक समान है, जैसे अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अथॉरिटी नहीं है, तो दोनों भी कुछ काम के नहीं है। जैसे दांत है और चने नहीं, और चने हैं तो दांत नहीं, ऐसी जो परिस्थिति है वैसी ही परिस्थिति अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए जैसे अथॉरिटी की जरूरत है वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी जरूरत है। एक्सेस अथॉरिटी लीड्स टू अब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर। एट द सेम टाइम अ मैनेजर शुड हैव नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर हमने किसी को ज्यादा अधिकार दे दिए तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। उसी के साथ अगर हमने किसी को कार्य पूर्ण करने के लिए कहा और अधिकार नहीं दिए तो भी वह अपना कार्य पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की भी जरूरत होती है। नेक्स्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। हमारे जो गोल्स है उनको पूरा करने के लिए हमें डिसिप्लिन की जरूरत है। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन इज द रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स है उन्हें रिस्पेक्ट करना यानी डिसिप्लिन है। एम्प्लॉइज मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट governs the organization। employees का कर्तव्य है कि जो organization के disciplines है उन्हें follow करे। अगर हम organization के discipline follow नहीं करते होंगे तो हमारी organization कभी भी उन्नति नहीं कर सकती। There must be a clear understanding between the management and workers regarding organization's rules। ऑर्गेनाइजेशंस के रूल के बारे में मैनेजमेंट और वर्कर्स में कोई भी मतभेद नहीं होने चाहिए। रूल स्पष्ट होने चाहिए जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर यह रूल क्लियर नहीं होंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। वो अवॉइड करने के लिए सभी रूल्स क्लियर होने चाहिए। डिसिप्लिन किसके लिए है? तो डिसिप्लिन सभी के लिए है। डिसिप्लिन टॉप मैनेजमेंट के लिए भी है, मिडिल मैनेजमेंट के लिए भी है, लोअर मैनेजमेंट के लिए भी है, वर्कर के लिए भी है। डिसिप्लिन सभी के लिए लागू है। अगर हम डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। डिसिप्लिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस में होता है वह ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से काम करती है। नेक्स्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू फेयॉल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। अगर हमें एक से ज्यादा बॉस काम बताने लगे तो हम किसी का भी काम पूरा नहीं कर सकेंगे। उसलिए सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए जो हमें ऑर्डर दे, जो वर्कर को ऑर्डर दे। अगर एक से ज्यादा लोग किसी एक वर्कर को ऑर्डर देने लगे तो वो वर्कर कोई काम पूरा नहीं कर पाएगा। दिस प्रिंसिपल हेल्प इन मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट अमॉन्ग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। It also helps in avoiding confusion. Each employee should know his immediate superior and should receive order from him only. हमारे superior कौन है? हमें order कौन देने वाला है? ये हमें पता हो तो हम अच्छे से काम कर सकेंगे। किसी भी organization में अगर unity of command होगी तो repeated nature of वर्क नहीं होंगे। उसलिए हमें यूनिटी ऑफ कमांड ऑर्गेनाइजेशन में लानी होंगी। प्रिंसिपल ऑफ
यूनिटी ऑफ कमांड समझने के लिए हम यह डायग्राम देखेंगे। इसमें जो रेड है वो ग्रीन को कमांड देगा और जो ग्रीन है वो येल्लो को कमांड देगा, जिसके वजह से येल्लो को पता है कि उसका सुपीरियर ग्रीन है और ग्रीन को पता है कि उसका सुपीरियर रेड है। इनके जो ऑर्डर्स है वो रेड ग्रीन को देगा और ग्रीन येल्लो को देगा। इस ऑर्डर से जब लोग काम करेंगे तो उसे हम यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एक्टिविटीज होती है, यह एक्टिविटीज अलग अलग लोग हैंडल करते हैं, मगर यह सभी एक्टिविटीज जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए होती है। उसलिए यह सभी एक्टिविटीज के एक ही ऑब्जेक्टिव होने चाहिए और इनके लिए एक हेड होना चाहिए जो एक सिंगल प्लान पे काम करे, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएंगे। इसमें और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत लोगों को यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में का फर्क समझने में मुश्किल होती है, मगर यूनिटी ऑफ कमांड एम्प्लॉइज और उसके इमीडिएट सुपरवाइजर में का रिलेशन है, मगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है वो हर एक्टिविटी टूवर्ड अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जानी चाहिए इसके लिए है। यूनिटी ऑफ कमांड एक एम्प्लॉय को दो दो बॉस ना हो यह सुनिश्चित करता है, मगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक्टिविटीज में ओवरलैपिंग ना हो, एक ही एक्टिविटी दो दो बार ना की जाए यह सुनिश्चित करता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अफेक्ट्स एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो एक एम्प्लॉय को इफेक्ट करती है, मगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है इसका परिणाम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने उद्देश्य होते हैं, उसी के साथ हर वर्कर के भी अपने अपने उद्देश्य होते हैं, मगर वर्कर के उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों के बीच में नहीं आने चाहिए। वर्कर ने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, ना कि खुद के इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस देन इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। While taking decision in the organization, the manager should always consider the interest of organization and not the interest of any individual employee. हम simple example लेते हैं, अगर हम cricket खेल रहे हैं और अगर हर player यह सोचे कि मेरी सेंचुरी हो, हर बॉलर यह सोचे कि मुझे विकेट मिले, रन कितने क्यों नहीं जाए, तो क्या हम क्रिकेट की मैच जीत सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मुझे नायक मूवी का एक डायलॉग याद आता है, परेश रावल अनिल कपूर को कहता है कि गांधी जी अगर घर पर बैठे होते बेटा 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 करते हुए, तो आज तुम किसी अंग्रेज के घर के लैट्रिन साफ कर रहे होते। इसका मतलब है कि सभी हमारे फ्रीडम फाइटर ने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट बाजू में रखे और वो देश के लिए लड़े। उसी प्रकार हमें अगर ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है तो एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, एम्प्लॉयज ने अपने अपने इंटरेस्ट बाजू में रखकर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन वन हैंड इज कॉल्ड एज सेंट्रलाइजेशन। On the other hand, if
डिसीजन मेकिंग पावर इज इन मेनी हैंड्स, इट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब सिंपल है, अगर पूरे डिसीजन लेने की अथॉरिटी अगर एक के हाथ में होगी तो उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, अगर डिसीजन अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर लेते होंगे तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है, मगर जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्केल बढ़ता है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हर चीज में सेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकता। धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा, हमें पावर ऑफ अथॉरिटी अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। देयर मस्ट बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य प्राप्त कर सकेंगे। द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन विल डिपेंड अपॉन सर्कमस्टेंसेस इन विच द कंपनी इज वर्किंग। अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो सेंट्रलाइजेशन ज्यादा होगा, जैसे जैसे स्केल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ता जाएगा। इसमें हमें प्रॉपर बैलेंस रखना है, तभी हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज रेमुनरेशन। द ओवरऑल पे एंड कॉम्पेंसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉइज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। रेमुनरेशन दोनों के लिए फेयर होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को भी लगे कि मैं जो दे रहा हूं वो अच्छा दे रहा हूं, और एम्प्लॉय को भी लगे कि मुझे जो मिल रहा है वो कम नहीं मिल रहा है। रेमुनरेशन कैसे डिसाइड करना चाहिए? तो रेमुनरेशन वर्कर के स्किल पे, उसके नॉलेज पे, उसके एक्सपीरियंस पे डिसाइड करने चाहिए। उसी के साथ कॉम्पिटिटर्स कितने रेमुनरेशन दे रहे हैं इसका भी हमने ख्याल रखना चाहिए। वर्कर हमारे लिए कितना प्रॉफिट ला रहा है उसका भी हमने ख्याल करना चाहिए। गुड रेमुनरेशन विल हेल्प टू स्ट्रेंथन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट रिलेशनशिप। अच्छे रेमुनरेशन हमें वर्कर और मैनेजमेंट के रिलेशनशिप डेवलप करने में होता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल है स्केलर चेन। An organization consists of superiors and subordinates. The formal line of authority from highest to lowest rank is known as scalar chain. Scalar chain समझने के लिए हम यह डायग्राम देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में दो प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में ऑर्डर्स दिए जाते हैं, ए ने बी को ऑर्डर दी, बी ने सी को दी, इसी प्रकार इधर ए ने पी को दी, पी ने क्यू को दी, ऐसे ऑर्डर दिए जाते हैं। मगर अपवर्ड कम्युनिकेशन में हम सजेशन देते हैं, ई डी को सजेशन देता है, डी सी को देता है, ऐसे ए तक सजेशन जाते हैं, इसी प्रकार इस और यस आर को सजेशन देता है और ए तक सजेशन पहुंचते हैं। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, मगर कभी कभी हमें इमरजेंसी में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ता है, ये फॉर्मल चेन छोड़कर, उसे हम गैंग प्लैंक कहते हैं। जैसे डी का और आर का कम्युनिकेशन, या आर का और डी का कम्युनिकेशन, ये फॉर्मल वे में नहीं है, मगर इमरजेंसी में ये कम्युनिकेशन करना पड़ता है, इसी को हम स्केलर चेन कहते हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। This principle is based on a place for everything and everything in its place. यानि हर चीज की एक जगह होती है और वह चीज उस जगह पर होनी चाहिए। ऐसा बहुत कम बार होता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को उन्नति करनी होगी तो उसे इस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। कोई भी चीज जिस जगह पर हमने असाइन की है उस जगह पर मिलनी चाहिए। अगर वो चीज वहां मिली नहीं तो हमारे काम रुक जाएंगे। यह सिर्फ मटेरियल के लिए जरूरी नहीं है, तो यह ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी जरूरी है। राइट मैन एट अ राइट प्लेस होना चाहिए। अगर हम योग्य व्यक्ति को योग्य जगह पर नहीं रखेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर पाएगा। दिस प्रिंसिपल इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू फिजिकल थिंग्स बट ऑल्सो फॉर ह्यूमन रिसोर्स।
दिस विल लीड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी। इस प्रिंसिपल को अगर हम फॉलो करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ह्यूमन रिसोर्स की इफिशियंसी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज इक्विटी। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजियन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनलिटी। किसी भी एम्प्लॉय में लिंग, धर्म, भाषा के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। लेजी पर्सनल शुड बी डील्ड स्ट्रिक्टली। ऑन द अदर हैंड, गुड पर्सनल हु आर वर्किंग विथ अ फुल इफिशियंसी मस्ट बी रिवॉर्डेड। अच्छे एम्प्लॉयज को उनके काम का बख्शीश मिलना चाहिए और लेजी एम्प्लॉयज को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। दिस इक्विटी हेल्प इन अवॉइडिंग मैनेजेरियल कन्फ्लिक्ट्स। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस विल इंक्रीज लॉयल्टी एंड डिवोशन ऑफ एम्प्लॉयज टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। एम्प्लॉय शुड बी सेलेक्टेड बाय फॉलोइंग रिगरस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। वंस एम्प्लॉय इज सेलेक्टेड, मैनेजमेंट शुड इंश्योर एम्प्लॉयज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और जॉब सिक्योरिटी। जब हम एम्प्लॉयज का सिलेक्शन करते हैं तब हमने स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए, और एक बार हमने एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया तो उसे उसके जॉब की सिक्योरिटी देनी चाहिए। हमने बहुत बार देखा है मूवीज में कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है और उसके साल में कई बार ट्रांसफर होते हैं। यह प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमने बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर के साथ होते वक्त देखा है, जिसकी वजह से उनमें इनसिक्योरिटी बढ़ती है और वो काम नहीं करते। लोअर एम्प्लॉयज टर्नओवर विल गिव हायर इफिशियंसी। जितने एम्प्लॉय का टर्नओवर ज्यादा होगा, जितने बार एम्प्लॉय अपने जॉब बदलेगा, उतना इफिशियंसी कम होगी, और जितना कम लेबर टर्नओवर होगा उतनी इफिशियंसी ज्यादा होगी। इसलिए लेबर टर्नओवर कम करने के लिए हमने हमारे एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए। एम्प्लॉय शुड बी केप्ट एट देयर पोजिशन फॉर अ मिनिमम फिक्स टेन्योर। एम्प्लॉय को हमने सिक्योर करना चाहिए कि तुम्हारी इतनी साल ट्रांसफर नहीं होगी, जिसकी वजह से वो एक जगह पर रहकर अच्छा काम कर सकेगा। इससे हमारे और वर्कर के बीच में एक अच्छे रिलेशनशिप होंगे, जिसकी वजह से हमें ऑर्गेनाइजेशन के उन्नति में फायदा होगा। जितना एम्प्लॉयज टर्नओवर बढ़ेगा उतना सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग का खर्चा भी बढ़ेगा। एम्प्लॉयज शुड बी गिवन reasonable time to show their result. This principle creates sense of belongingness among the employees. Next management principle is principle of initiative. A good plan implemented today is better than a perfect plan implemented tomorrow. Initiative means taking the first step with motivation. It is thinking out and executing the plan. सही मायने में initiative याने पहला कदम। कौन खुद motivate होकर organization के लिए कुछ नया करने की इच्छा शक्ति रखता है, यह इच्छा शक्ति जागृत करने का काम यह principle करता है। Initiative is one of the important feature of an intelligent worker. Workers should be encouraged to develop habit of initiative. हमें हमारे workers में initiative लेने की कला विकसित करनी पड़ेगी। अगर excessive initiatives लिए जाए वो भी organization के लिए अच्छे नहीं होते। उसलिए हमें initiatives किस प्रकार के लेने चाहिए इस पे विचार करना चाहिए। It also help in creating healthy organizational culture. हमें initiatives कैसे लेने चाहिए, तो एक suggestion का माध्यम है
जिससे हम वर्कर्स से कुछ नए इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। वर्कर्स हमें नए नए इनिशिएटिव्स सुझाए जिसके वजह से हम कॉस्ट और टाइम बचा सके। इन इनिशिएटिव्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। लास्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल है स्पिरिट डी कॉर्प्स। ये फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ या टीम वर्क। बचपन में आपने एक कहानी सुनी होगी जिसमें एक शिकारी होता है, वो अपना जाल बिछाता है, जाल में कुछ पंछी अटक जाते हैं, पंछी सोचते हैं कि क्या करें और सब पंछी वह जाल लेकर उड़ जाते हैं। अगर हम यूनिटी दिखाए तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट अमंग एम्प्लॉयज। विदाउट टीम वर्क इट इज डिफिकल्ट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अ गुड मैनेजर रिप्लेस आई विथ वी सो दैट ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क एज अ टीम। इफ ऑल एम्प्लॉयज आर वर्किंग एज अ यूनियन एंड विथ म्यूचुअल ट्रस्ट द डिफिकल्टीज कैन बी सॉल्व ईजीली एंड क्विकली। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करते हैं कि ये 14 प्रिंसिपल याद कैसे रखे जाए। इसलिए हमने इन प्रिंसिपल को इस प्रकार से लिखा है। दादू यू आर सी एस सो इजी। दादू यानी क्या? डिविजन ऑफ लेबर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड। यू आर सी एस का मतलब क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, रेमुनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। सो का मतलब क्या है? स्कैलर चयन, ऑर्डर। और आखिरी में हम देखते हैं इजी। ई यानी इक्विटी, एस स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूअर, आई इनिशिएटिव और ई स्पिरिट डी कॉर्प्स। वैसे देखे तो ये 14 प्रिंसिपल हम अगर 8-10 बार देख ले तो हम ये 14 प्रिंसिपल इजीली याद रख सकते हैं। और इसे याद रखने का फॉर्मूला क्या है? दादू यू आर सी एस सो इजी। मित्रों, हमने इस वीडियो में हेनरी फ्योल के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल देखे। अगले वीडियो में हम FW टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को देखेंगे। थैंक यू।